बता दी कि माता ने कोई ज्यादा फर्ज नहीं होता। मंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जाति और पीढ़ी ढूंढ रहे हैं, क्या गैंगस्टर अभी ताजा बयान है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो। सनातन के खिलाफ उन्होंने उटपटांग बयान दिया, जिससे हमको लगता है वो अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं। अभी उनको मालूम नहीं है कि सनातनी जब एकजुट हो जाएंगे तो जो हाल उनका 17 में हुआ है, 22 में हुआ है, फिर वो 27 में भी होगा। ज्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बस कहता हूँ होश में आ जाए, नहीं तो फिर जो है उनकी जो भूत उनको जो सत्य का चढ़ने का है वो कभी चढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि जो है मतलब सनातन को उटपटांग बोल दिया। उन्होंने कहा है कि मठ से मठाधीश जो है गुंडा मवालिया उन्होंने बोला, तो ये शब्द जो है उनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मानवीय पद पे है। अखिलेश यादव जी की जो मानसिकता है हमेशा माफियाओं को बचाने को लेकर के, और हमारे साधु संतों को अपमान हमेशा करते आए हैं, उनके पार्टी के शीर्ष नेता हमेशा अपमान करते आए हैं, उन्होंने भी इस बार अपमानित किया हमारे साधु संतों को। अखिलेश यादव पूरे देश के संतों से माफी मांगे, नहीं तो युवा मोर्चा अपना प्रदर्शन और उग्र करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।